भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन समय में जब पूरी दुनिया अपना भोजन पानी जुटाने में ही व्यस्त रहती थी, उस समय विज्ञान के क्षेत्र में भारत में अद्भुत खोजें हो चुकी थी। प्राचीन काल में भारत में लिखे कई वैज्ञानिक ग्रंथों का उल्लेख इतिहास में मिलता है। आज हम बहुत से प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों को जानते हैं जो पिछले 300 से 400 सालों में दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कई वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसे हैं जिनको हजारों साल पहले प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने दिया था। विज्ञान के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें भारत के कई वैज्ञानिक शामिल हैं। दुख की बात तो ये है कि उन महान लोगों की रचनाओं को ना तो हम संभाल कर रख पाए और ना ही हम उन पर शोध कर पाए, और ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जिस भारत ने दुनिया को वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, उन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों को आज विदेशी वैज्ञानिक अपने नाम पर पेटेंट करा चुके हैं। जब दुनिया के लोग सिर्फ अपने भोजन पानी के चिंतन में ही लगे थे, तब भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में जुटे थे। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक दुनिया में प्रसिद्ध नहीं हो पाए। इसका कारण ये भी है कि जब आधुनिक विज्ञान का इतिहास लिखा जा रहा था, तब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे भारत आज दुनिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता जा रहा है और हमारे इतिहास की खोज होती जा रही है, वैसे वैसे हम भारत के स्वर्णिम इतिहास को दुनिया के सामने एक बार फिर से लेके आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे प्राचीन भारत के उन महान वैज्ञानिकों के बारे में जो सदियों से इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं। मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारतीय होने पर बड़ा ही गर्व महसूस होगा। आर्यभट्ट, ये नाम तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, और सुने भी क्यों ना, क्योंकि आर्यभट्ट ने अपने जीवन काल में दुनिया को वो सौगात दी है जिसकी वजह से आज हमारा विज्ञान आगे बढ़ पाया। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में इनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। वो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने दुनिया को बीज गणित दिया, जिसको हम एलजेब्रा के नाम से जानते हैं। आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई किताब आर्यभट्टीय में इन्होंने खगोल शास्त्र और खगोलीय त्रिकोणमिति के बारे में बताया है। जब दुनिया के कई देश ठीक तरह से गिनती गिनना भी नहीं जानते थे, उस समय आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड के रहस्यों को दुनिया के सामने रखा। दुनिया की माने तो 16वीं सदी से पहले यही माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सेंटर है और सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन लोगों की इस भ्रांति को 16वीं सदी में निकोलस कोपरनिकस ने दूर किया। साल 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने दुनिया के सामने पहली बार सोलर सिस्टम का हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। कोपरनिकस ने अपने मॉडल में सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया और बताया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने तो ये बात कोपरनिकस से भी हजारों साल पहले ही बता दी थी। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और बाकी के अन्य ग्रह भी सूर्य से अलग अलग दूरी पर चक्कर लगाते हैं। आपको बता दूं कि आर्यभट्ट ने ये बात तब बताई थी जब यूनानी दार्शनिक अरस्तु दुनिया को ये बता रहे थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य सहित बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता तो प्राचीन काल में लोग मानते कि किसी राक्षस ने सूर्य या चंद्र को खा लिया है, लेकिन आर्यभट्ट ने लोगों की इस अवधारणा को गलत सिद्ध किया। आर्यभट्ट ने बताया कि क्यों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। इस महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ को यह भी पता था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रहों का खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होते हैं। और आधुनिक विज्ञान के हिसाब से तो ये बात हम अभी से सिर्फ 400 या 500 साल पहले से ही जानते हैं, जबकि आर्यभट्ट ने तो ये सब हजारों साल पहले ही बता दिया था। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय गणितज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले आर्यभट्ट ने 120 आर्य छंदों में खगोल विज्ञान के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय में दिया है।
खगोल विज्ञान के इस प्रकांड पंडित ने पृथ्वी के साइज को भी कैलकुलेट कर लिया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि को 24,835 मील बताया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आर्यभट्ट के द्वारा बताए गए पृथ्वी के इस मान में आज के हिसाब से सिर्फ 65 मील की ही अशुद्धि पाई जाती है, शून्य, जिसके बिना गणित की कल्पना करना तक मुश्किल है। इसकी खोज आर्यभट्ट ने ही की थी। जीरो की खोज ने ही आर्यभट्ट को विज्ञान के इतिहास में अमर कर दिया। आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज से भी अधिक सटीक पाई के मान को निरूपित किया। ये हैरान और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि आजकल के उन्नत साधनों के बिना ही उन्होंने बहुत पहले ही खगोल विज्ञान के बारे में ज्ञान इकट्ठा कर लिया था। बिना दशमलव के गणित में सटीक कैलकुलेशन करना असंभव है, लेकिन आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली देकर गणित की कैलकुलेशंस को आसान बनाया। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही समीकरणों का आविष्कार किया, जिसको आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। खगोल विज्ञान के इस प्रकांड पंडित का भारत हमेशा रेडी रहेगा। इसरो द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट के नाम पर ही इनको सम्मानित करते हुए दिया गया, बौधायन। ज्योमेट्री के विषय में प्रमाणिक मानते हुए सारे विश्व में यूक्लिड की ही ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि महान यूनानी ज्यामिति शास्त्री यूक्लिड से पहले ही भारत में कई रेखा गणितज्ञ ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण नियमों की खोज कर चुके थे। उनमें से बौधायन का नाम सबसे ऊपर आता है। उस समय भारत में ज्योमेट्री को सुल्व शास्त्र के नाम से जाना जाता था। आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी ही होगी। समकोण त्रिभुज से संबंधित ये प्रमेय पाइथागोरस ने दी थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पाइथागोरस ने इस प्रमेय को दिया, उससे भी कई सदियां पहले से ही भारत में इस प्रमेय को पढ़ाया जाता था, और भारत के बौधायन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रमेय को दिया था, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी इस खोज के लिए सम्मान नहीं मिल पाया। बौधायन के सूत्र वैदिक संस्कृत में हैं। बौधायन ने पाइथागोरस प्रमेय को कुछ इस प्रकार से बताया था, विकर्ण पर कोई रस्सी तानी जाए तो उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ऊर्ध्व भुजा पर बने वर्ग तथा क्षितिज भुजा पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। बौधायन ने केवल यही प्रमेय नहीं दी, बल्कि उन्होंने ज्योमेट्री में अपने और भी योगदान दिए। अब एक बात समझ नहीं आती कि विदेशी गणित शास्त्रियों ने बौधायन की ज्योमेट्री को कॉपी करके अपने नाम से प्रस्तुत किया था, या उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च करके वो थ्योरम दी जिनको बौधायन बहुत पहले ही अपने सुल्व शास्त्र में बता चुके थे। महर्षि कणाद ने भी आधुनिक विज्ञान की नींव आर्यभट्ट की तरह ही बहुत पहले ही रख दी थी। आज हम विज्ञान में जिन नियमों को पढ़ते हैं, भले ही उनका श्रेय विदेशी वैज्ञानिकों को मिले, लेकिन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण नियम ऐसे हैं जिनको बहुत पहले ही भारत के वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने बता दिया था। दुनिया भर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने दिया था, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि परमाणु के सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन से भी हजारों साल पहले भारत के महर्षि कणाद ने इस रहस्य को उजागर कर दिया था। महर्षि कणाद ने मैटर के कण सिद्धांत को दिया, जिसको एटम बोला जाता है। महर्षि कणाद ने मैटर के कण सिद्धांत को कुछ इस तरह से दिया, भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संगणन से होती है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो इस दुनिया में किसी भी चीज की उत्पत्ति छोटे छोटे परमाणुओं के मिलने से होती है। सर आइजैक न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता। न्यूटन ने ही दुनिया को ग्रेविटी के नियम के बारे में बताया। न्यूटन ने ही गति के तीन नियम बताए। आज हम स्पेस में रॉकेट लॉन्च करें या फिर पृथ्वी पर तेज गति से गाड़ियां दौड़ाएं, हर जगह न्यूटन के गति के नियम काम करते हैं। या यूं कहें कि न्यूटन के गति के नियमों को बिना समझे हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, कोई भी मैकेनिकल मशीन नहीं बना सकते। तो आप समझ चुके होंगे कि कितने जरूरी हैं न्यूटन के गति के तीन नियम। क्या न्यूटन की गति के नियम या महर्षि कणाद के गति के नियम? जी हाँ, भौतिक विज्ञान के आधार गति के तीन नियम महर्षि कणाद ने ही न्यूटन से सदियों पहले ही बता दिए थे। अब सवाल ये है कि क्या सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों पर अपनी खुद की रिसर्च की थी, या फिर महर्षि कणाद के नियमों को उन्होंने मॉडिफाई किया था। खैर जो भी हो, लेकिन सच तो यही है कि आज हम गति के नियमों को न्यूटन के नाम से ही जानते हैं।
चलिए जान लेते हैं कि महर्षि कणाद ने आखिर गति के बारे में क्या बताया था। वेग या मोशन पांचों द्रव्यों पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है तथा नियम दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट होता है या उत्पन्न होता है। भास्कराचार्य। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। आज हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज का श्रेय सर आइजैक न्यूटन को जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि ग्रेविटी का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में पृथ्वी की ग्रेविटी के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इसी कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। भास्कराचार्य ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा था कि अगर किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो वो अनंत हो जाती है और किसी संख्या और अनंत को जोड़ा जाए तो रिजल्ट भी अनंत ही मिलता है। भास्कराचार्य ने खगोल विज्ञान में भी अपना योगदान दिया और उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी अपने ग्रंथों में लिखा। भास्कराचार्य ऐसे व्यक्ति थे जो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। महर्षि सुश्रुत। ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने सिर्फ भौतिकी, गणित या खगोल विज्ञान में ही अपना योगदान दिया हो, चिकित्सा के क्षेत्र को कहां पीछे छोड़ सकते हैं। महर्षि सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आपको बता दें कि प्राचीन समय से ही चिकित्सा के दो प्रमुख विभाग चलते आ रहे हैं, काय चिकित्सा यानी मेडिसिन और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। इसी के आधार पर ही चिकित्सकों में भी तो चलती आ रही है, एक काय चिकित्सक यानी फिजिशियन और दूसरी शल्य चिकित्सक यानी सर्जन। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का पितामह कहा जाता है। इन्होंने एक प्राचीन ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। ये ग्रंथ आयुर्वेद के तीन मूलभूत ग्रंथों में से एक है। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में सर्जरी के 125 तरह के उपकरणों का जिक्र किया है। ये उपकरण सर्जरी की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन क्रियाओं की खोज की। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करने में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। महर्षि सुश्रुत आंखों की सर्जरी करने में भी निपुण थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया है। उन्हें ऑपरेशन के द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। उस समय सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने तथा उन्हें जोड़ने में महारत हासिल थी। सुश्रुत को उस समय डायबिटीज और मोटापे के रोगों के बारे में विशेष ज्ञान था। महर्षि सुश्रुत की चिकित्सा पद्धति काफी आधुनिक थी और आज पूरी दुनिया महर्षि सुश्रुत की चिकित्सा पद्धति का फायदा उठा रही है। हमें गर्व होता है ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों पर जिन्होंने प्राचीन भारत में ही विज्ञान को इतना आगे पहुंचा दिया था। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि प्राचीन भारतीयों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में किन किन खोजों का जिक्र होता है। हमारे प्राचीन वेद और पुराण असीम ज्ञान से भरे पड़े हैं। ऐतरीय ब्रह्मनाम ग्रंथ में जिक्र होता है कि सूर्य ना तो कभी अस्त होता है और ना ही उदय होता है, मतलब उन्हें पता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। विष्णु पुराण में बताया गया है कि सूर्य हमेशा स्थिर रहता है। जहां दुनिया मानती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन भारतीयों की सोच तो दुनिया से कहीं आगे थी। ऋग्वेद और यजुर्वेद में जिक्र मिलता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आपको बता दूं कि दुनिया को 400-500 साल पहले ही पता चला है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि भारतीय ग्रंथों में प्राचीन समय में ही इस बात का जिक्र किया जा चुका था। प्राचीन समय में दुनिया मानती थी कि पृथ्वी फ्लैट है, लेकिन ऋग्वेद में पृथ्वी की शेप और पोल्स की तरफ इसके चपटे होने का जिक्र है। उन्हें ये भी पता था कि सूर्य की लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है और उन्होंने बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रकाश के बिखराव के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। करीब 1600 साल पहले लिखी गई सूर्य सिद्धांत नामक किताब में सूर्य और प्लैनेट्स की पोजीशन और उनके ऑर्बिट को कैलकुलेट किया गया है और इसमें अलग अलग प्लैनेट्स के डायामीटर को भी बताया गया है। आज से करीब 1400 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी की परिधि 5000 योजन है।
सूर्य सिद्धांत में एक योजन की वैल्यू 8 किलोमीटर के बराबर है। इस हिसाब से पृथ्वी की परिधि 40,000 किलोमीटर आती है। वहीं अगर हम धरती की असल परिधि की बात करें तो वो करीब 40,075 किलोमीटर है। हमारे वेद और ग्रंथ बताते हैं कि भारत का इतिहास कितना पुराना है, भारत ने दुनिया को क्या क्या सौगात दी, भारत की इस धरा पर कितने महान लोगों ने जन्म लिया, न जाने अभी तक कितने ही प्राचीन गुमनाम भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई किताबों को अभी तक डिकोड भी नहीं किया जा सका। मुझे गर्व होता है अपने भारतीय होने पर कि हम ऐसी संस्कृति में पले बड़े हैं जहाँ से दुनिया को ज्ञान का भंडार मिला है। आज हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों को भले ही उनकी खोजों का श्रेय ना मिल पाया हो, लेकिन उनकी महान खोजों ने विज्ञान को एक गति जरूर दी। आज दुनिया भर में लोग भारतीय ग्रंथों को विदेशी भाषाओं में अनुवाद कर उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और विज्ञान को गति दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।